अजनी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले गैंगरेप का मामला सामने आया था। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, मगर इस मामले में और तीन लोग होने की आशंका जताई जा रही थी। इसके लिए अजनी पुलिस थाने पर आरोप भी लगाए गए। इस पूरे आरोप के बारे में जब हमारी टीम ने अजनी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी से बात की तो उन्होंने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि गैंगरेप के मामले में और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महिला समाज सेविका का हमने टीवी में बाइट भी देखा है और कुछ न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा भी है। उन्होंने जो कुछ ऑब्जेक्शन लगाए, शायद उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा है कि एक आरोपी के ऊपर में गुनाह दर्ज हुआ है, तीन आरोपी घूम रहे हैं, लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं है। तुरंत ही पीड़िता जैसे आई है हमारे पास में, हमने उनकी रिपोर्ट ली है, पूछताछ करके रिपोर्ट लेने के बाद में हमने तुरंत ही गुना दर्ज किया है, जिसमें चार आरोपी है। चारों आरोपी के खिलाफ गुना दर्ज किया है। तत्काल हमने आरोपियों का शोध किया है और चारों आरोपियों को हमने हिरासत में लिया है और चारों आरोपी अभी PCR में है। उनका ऐसा ऑब्जेक्शन था, उसको किसी ने जानकारी दी होगी कि पुलिस ने एक ही आरोपी को अरेस्ट किया है, बाकी तीन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। ये उन्हें जानकारी नहीं होने की वजह से इन्होंने बेबुनियाद, बिना जानकारी के उन्होंने आपको मालूम दी है। ऐसा कुछ नहीं है, तपास पूरी तरीके से चल रहा है। और उन्होंने दूसरी एक ऐसी भी जानकारी दी थी कि लड़की की मेडिकल को लेके हमने मेरे लड़की को उसी समय में, पीड़िता को जिस समय गुना दर्ज हुआ था, तुरंत गुना दर्ज होने के बाद में हमने उसे स्टाफ के साथ में मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजा था, मेडिकल चेकअप के लिए। मगर वहाँ पे पीड़िता ने मेडिकल करने से नकार दिया था। वहाँ उसने समय लिख के भी दिया था और डॉक्टर ने हमें ऐसा राइटिंग में रिपोर्ट दिया है कि पीड़िता ने वहाँ पर मेडिकल करने से मना किया है। उसके बाद में भी हमने दूसरे दिन उसको, पीड़िता को बुलाकर उसको समझाया, कई महिला अधिकारियों के हाथ से उसे समझाया और बाद में उसने फिर मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार हुए। उसके बाद में उसका फिर मेडिकल जांच कराई गई।